Rakhi Sawant, yet another controversial lady, was also seen in the Zoom Holi party. And we were shocked too that Rakhi Sawant just spoke about politics on the festival of Holi. Have a look at the interview. नहीं नहीं मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, उल्टा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आज होली के दिन ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऑफर हुआ था, आपने मना किया? जी बिल्कुल, ऑफर तो है, डेफिनेटली ऑफर है। ये अभी मैंने ना कुछ सोचा है ना मैंने मना किया है। मुझे सोचना है कि मुझे कहाँ से लड़ना है, और वो देखना ज़रूरी है ना कि लड़ूंगी भी या नहीं। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एक्चुअली ऑफर तो डेफिनेटली हो रहा है। मैं वहाँ से लड़ना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं वहाँ से लड़ना चाहती हूँ जहाँ से मुझे लोग जानते हैं, लोग सब जगह जानते हैं, लेकिन मैं वहाँ से लड़ना चाहती हूँ जो टक्कर दे सकूँ और बड़े बड़ों को टक्कर दे सकूँ। गांव कूचे में तो कभी भी कहीं से भी लड़के आ सकते हैं, लेकिन किसी शेर के सामने खड़े रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। होली का रंग है और बस मेरी तो यही इच्छा है सबसे, होली के दिन पर मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ, सच्चा और अच्छा नेता चुने, यही मौका है सौ सुनार की, एक लोहार की। और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, बस हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, सबसे सबसे बड़ा मुद्दा यही है मेरा, बेटियों को सुरक्षा मिले। अच्छा ये बताइए कौन से नेता को आप रखना चाहेंगे? नो कमेंट्स, आचार संहिता है और बिल्कुल नो कमेंट्स। मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे अपने फिल्म इंडस्ट्री से मिलने आई हूँ, मेरे अपने लोग जहाँ से मुझे जाना जाता है, मेरे अपने लोग, मेरे अपने फिल्म इंडस्ट्री से मैं सारे सेलिब्रिटी से मिलने आई हूँ। देखिए नाचना तो मैं तब नाचूंगी जब देश को सही नेता मिलेगा। आज ये फोकड़ में है वहीं नाच के क्या फ़ायदा है, ये तो दूसरे तो सब नाच ही रहे ना। नाचूंगी तब, यू नो, खुशी तब मिलेगी जब सब गरीबों के लिए उनकी मांगे पूरी होगी। बस मैं तो ऐसी बातें करूंगी अभी तो फिलहाल भैया, आई यही बातें करूंगी। The person who craves for fame and attention did not lose the opportunity to make an appeal to vote for her if she stands in the election. Isn't it weird? What do you have to say about Rakhi Sawant's political career? Leave your comments below and hit the like button. Also, don't forget to subscribe to Desi Mad for more such uncensored updates.